जब भी हम वीडियो को चलाते हैं तो ऐसा एरर आ जाता है, इसका समाधान कैसे करें? दोस्तों, अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। जब भी आप आफ्टर इफेक्ट में प्ले हेड को प्ले करते हैं तो ऐसा एरर आ जाता है, आफ्टर इफेक्ट एरर केस प्रू नीड टू का एरर आ जाता है। इस वीडियो में जानेंगे कि इस एरर को कैसे खत्म करें, ये एरर कैसे कैसे आ सकता है, इन सब प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आप ये देख लें कि कंप्यूटर में कौन सी प्रॉब्लम से ये एरर आ रहा है, इन सभी सेटिंग के द्वारा इस एरर को खत्म कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जो इसकी पहली सेटिंग होती है, जो हमें फाइल में जाना है, और प्रोजेक्ट सेटिंग कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के द्वारा भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप यहां देख लें कि जो आपके सिलेक्ट हो रखा है वह कौन सा ऑप्शन पर सिलेक्ट हो रखा है, मर्करी सॉफ्टवेयर ओनली पर सिलेक्ट हो रखा है या ग्राफिक कार्ड पे सिलेक्ट हो रखा है। और ग्राफिक कार्ड पे सिलेक्ट नहीं हो रखा है तो इसे कोडा में सिलेक्ट कर दें और ओके कर दें। कि जो दूसरी सेटिंग है वह एडिट में जाकर आपको यहाँ प्रेफरेंस में जाकर मेमोरी प्रेफरेंस में जाना है। यहाँ पर आप देख लें कि जो हमारा आफ्टर इफेक्ट है उसमें कितने मेमोरी तो हो रखी है और अदर सॉफ्टवेयर के लिए कितनी हो रखी है। आपको यहाँ पर मैक्सिमम मेमोरी आफ्टर इफेक्ट पर सेट कर देना है। मेरे इस कंप्यूटर में 32 GB रैम लगी हुई है, जैसे मैं 5 GB अदर के लिए रखता हूँ और 27 GB इसके लिए कर देता हूँ और इसे ओके कर देते हैं। जो इसकी तीसरी सेटिंग है वह है आपको प्रच पे जाना है, ऑल मेमोरी एंड डिस्क केस पर क्लिक करना है, के बाद इसे ओके कर देना है, इससे ये रिप्लेस हो जाएगा। इन सब के करने के बाद आपको कंपोजिशन में जाकर कंपोजिशन सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग टाइम कोड होता है वह 0 पे ही सेट होता है और जो ड्यूरेशन होता है कम से कम 10 सेकंड जरूर करें और इसे ओके कर दें। अब भी आप इसे चलाएंगे तो भी ये एरर आएगा। इसके बाद आप इसे देख लें कि जो ऊपर वाला कर्सर है ये 10 सेकंड पे रहना चाहिए, इसे छोटा कर लेते हैं और इसे 10 सेकंड पे कर देते हैं। अब इसे चलाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका वीडियो था उसका प्रीव्यू दिखाने लग गया है। दोस्तों, इस तरह का जो एरर आता है उसके रिलेटिव एरर के बारे में समाधान बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी अगर समस्या का समाधान हो गया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी पर क्लिक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।